पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन की हंगामाराई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में रखना डाल रहे अपोजिशन जमातों के 19 मेंबरान को डिप्टी चेयरमैन ने किया मुअत्तल। मुअत्तल मेंबरान हफ्ते के बाकी दिनों में कार्रवाई में नहीं कर सकेंगे शिरकत। फाइव जी स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी का अमल शुरू। 4.3 लाख करोड़ रुपए की कीमत वाले 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए 4 कंपनियां दौड़ में शामिल। मौजूदा 4G खिदमत के मुकाबले में 5G खिदमत तकरीबन 10 गुना होंगी तेज। आज कौम 23वें कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को कर रही है याद। सदर जमहूरिया, वजीर आजम, वजीर दिफा ने मुसल्ला अफवाज की बहादुरी, हिम्मत और कुर्बानी को किया सलाम। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से ईडी की तफ्तीश जारी। पूछताछ की मुखालफत पर कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी को किया गया गिरफ्तार। मुखालफत में कांग्रेस के मुबैना सत्याग्रह पर बीजेपी का हमला। सावन की शिवरात्रि आज, भगवान शंकर पर जल अभिषेक के साथ आज कांवड़ यात्रा होगी मुकम्मल। हरिद्वार समेत दीगर मजहबी मुकाम पर कांवड़ अकीदतमंद हुए जमा। और बर्मिंगम दौलत मुश्तरका खेलों के शुरू होने से कबल भारत को लगा बड़ा धचका। जख्मी ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा नहीं लेंगे हिस्सा। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की हम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। और अब खबरें तफसील से। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश सिंह ने ऐवान में हंगामा करने वाले अपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी चेयरमैन ने जाब्ता 256 के तहत राज्यसभा के 19 मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया है। डिप्टी स्पीकर ने अरकान असेंबली को ऐवान के वेल में घुसने और नारेबाजी करने पर बाकिया हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल अरकान में TMC से 7, DMK के 6, TRS के 3, CPM से 2 और CPI से 1 रुकन पार्लियामान शामिल हैं। मुअत्तल अरकान के नाम सुष्मिता देव, मौसम नूर, शांत छेत्री, डोला सेन, शांतनु सेन, नदीम उल हक, MM अब्दुल्ला, एल यादव, ए रहीम, गिरिराजम, के कनीमोजी और NV सुमो शामिल हैं। द क्वेश्चन इज दैट द हाउस हैज टेकन अ सीरियस नोट ऑफ द मिसकंडक्ट ऑफ द सुष्मिता सेन जी, मौसम जी, सुष्मिता देव जी, मौसम नूर जी, शांता छेत्री जी, दोला सेन जी, शांतनु सेन जी, यार जी, नदीमुल हक जी, MM अब्दुल्ला जी, एल यादव जी, ए रहीम, बदीराजू कलप जी, गिरिराजन, प्लीज हु हैव एंटर्ड द NR अलांगो, वी शिवदासन, एम समुखम, दामोदर Kumar P, who have entered the veil of the house and have been continuously shouting slogans, thereby disrupting the proceedings of the house in utter disregard to the authority of the chair, and having been named by the chair, resolves that the above mentioned members, that is, are mentioned to be suspended from the services of the council for the remainder of this week under the rule 256. No amendment, adjournment or debate is allowed under rule 256. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. राज्यसभा में ऐवान के लीडर और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने मुअत्तल कर पार्लियामेंट पर अफसोस का इजहार किया है। पीयूष गोयल ने कहा कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमन कोरोना से मुतासिर हैं, जैसे ही वो सेहतयाब होंगी हम महंगाई पर बहस करेंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि लेकिन अपोजिशन का रवैया नाकाबिले कबूल है। बड़ा खेद है कि कुछ माननीय सांसदों को सदन की कार्रवाई से इस हफ्ते के लिए सस्पेंड करना पड़ा। सदन में भी और सदन के बाहर भी इस बात को रखा है कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। महंगाई पे भी सरकार
अब चर्चा करना चाहती है, हम बताना चाहते हैं कैसे बड़े अहम कदम सरकार ने उठाए जिससे भारत में बाकी देशों के निस्बत महंगाई कम रही है। हम माननीय वित्त मंत्री की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको कोविड हुआ था, जैसे ही वो वापस सदन की कार्रवाई में आएंगी तब इस विषय पर चर्चा होगी। हम पुनः एक बार आश्वस्त करते हैं कि इस विषय पर चर्चा शेड्यूल होगी जैसे ही वित्त मंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। लोकसभा में हंगामा आराई पर स्पीकर ओम बिरला ने अरकाने पार्लियामेंट को मशवरा दिया है। बिरला ने कहा कि पार्लियामेंट नारेबाजी के लिए नहीं है बल्कि संजीदगी से बहस के लिए है। उन्होंने कहा कि मैं किसी रुकन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ऐवान में तनखियां और नारेबाजी नहीं देखना चाहता। स्पीकर बिरला ने कहा कि मुल्क के लोग आपके हाथों में प्ले कार्ड नहीं देखना चाहते, आप सब काबिल एहतराम हैं, आपको मुल्क के लोगों ने भेजा है, मुल्क के आवाम देख रहे हैं, पार्लियामेंट के वकार को बरकरार रखें। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपका सदन है, आप सदन में चर्चा करें, संवाद करें, सहमति असहमति व्यक्त करें। हम सदन के अंदर मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है, लेकिन ये सदन शक्तियां लेकर आने के लिए नहीं है, ये सदन चर्चा संवाद के लिए। देश की जनता आपको सदन में आकर तकिया नहीं देखना चाहती। मेरा आपसे आग्रह है, कृपया आप विराजे अपनी अपनी सीट पर। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल आज से शुरू हो गया है, जिसमें चार कंपनियां बोली लगाएंगी। इस दौरान 4.3 लाख करोड़ रुपए की 72 GHz स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां लगाई जाएंगी। बोली का अमल स्पेक्ट्रम नीलामी के इस दौर में मौजूदा टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वाले रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अलावा गौतम अडानी की कंपनी अडानी इंटरप्राइज भी 5G के लिए बोली लगाने वाली हैं। नीलामी आज सुबह 10 बजे शुरू हुई जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। काबिले जिक्र है कि मुल्क में 5G खिदमात के शुरू होने से इंतहाई तेज़ रफ्तार इंटरनेट खिदमात फराहम करने की राह हमवार होगी। 5G सर्विस मौजूदा 4G सर्विस के मुकाबले में 5G खिदमात तकरीबन 10 गुना तेज़ होंगी। मगरबी बंगाल के मशहूर एक रुपया डॉक्टर सुशोभन बनर्जी का आज इंतकाल हो गया। एक डॉक्टर और सियासतदान डॉक्टर बनर्जी ने तकरीबन 60 साल तक मरीजों का इलाज किया। वो बोलपुर सीट से साबिक MLA हैं और कांग्रेस के टिकट पर 1984 का इलेक्शन लड़ा था। वो सिर्फ 1 रुपये में लोगों का इलाज करते रहे और प्यार से 1 टका दाता उन्हें पुकारा जाता था। साल 2020 में उन्हें मुल्क का सबसे बड़ा शहरी एजाज़ पद्मश्री मिला। इसी साल उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा मरीजों के इलाज के लिए दर्ज किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया, डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय इंसानी जज्बात के बेहतरीन अलामत थे, उन्हें एक रहम दिल और सखी शख्स के तौर पर याद किया जाएगा, जिनके हाथों बहुत से लोगों को शिफा मिली। मुझे पद्म अवार्ड की तकरीब में उनके साथ अपनी बातचीत याद है। मैं उनकी मौत से इंतहाई रंजीदा हूँ। उनके अहले खाना और उनके चाहने वालों के तई इजहार ताज़ियत, ओम शांति। उद्धव ठाकरे धड़े की जानिब से इलेक्शन कमीशन में हकीकी शिवसेना की शिनाख्त के लिए जारी अमल के खिलाफ दायर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना की सरबराही वाली बेंच के सामने पेश की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अर्जी की समाअत महाराष्ट्र के मामले से मुतालिक दीगर अर्जियों के साथ की जाएगी। महाराष्ट्र से मुतालिक दीगर मामलात 1 अगस्त के लिए फहरिस्त में दर्ज हैं। उद्धव ठाकरे धड़े की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल अदालत में पेश हुए। ठाकरे धड़े ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को उस वक्त तक अपनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जब तक शिंदे धड़े के अरकान असम्बली की नाअहली का फैसला नहीं हो जाता। फिलहाल शिंदे धड़े के अरकान असम्बली की नाअहली का मामला ज़ेर इल्तवा है, ऐसे में कमीशन ये फैसला नहीं कर सकता कि असल शिवसेना कौन है। काबिले जिक्र है कि इलेक्शन कमीशन ने दोनों जमातों से 8 अगस्त तक दस्तावेजात तलब किए हैं। ठाकरे धड़े ने महाराष्ट्र के गवर्नर के जरिए एकनाथ शिंदे को हुकूमत बनाने की दावत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इसके अलावा 3 और 4 जुलाई को होने वाली महाराष्ट्र कानून साज असम्बली की कार्रवाई में नए स्पीकर के इंतखाब और शिंदे हुकूमत के एतमाद के वोट की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया गया है। कौम आज कारगिल विजय दिवस की 23वीं सालगिरह मना रही है। वज़ीर-ए-दिफा राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल में
कारगिल जंग में अपनी जानें गंवाने वाले शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर कौमी जंगी यादगार पर तीनों फौज के सरबराहान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार और फजाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने कौमी जंगी यादगार पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार ने भी आज नेशनल वार मेमोरियल पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कारगिल विजय दिवस पर मुल्क के शहरियों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, कारगिल विजय दिवस हमारी मुसल्ह अफवाज की गैर मामूली बहादुरी, ताकत और अज़म की अलामत है। मादरी वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले सभी बहादुर फौजियों को मैं सलाम करती हूँ। मुल्क के सभी शहरी उनके अहले खाना के तई हमेशा मकरूज रहेंगे। जय हिंद। वज़ीर आज़म मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर बहादुर जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने ट्वीट पैगाम में कहा कि कारगिल विजय दिवस माँ भारती की आन बान की अलामत है। इस मौके पर मादरे वतन की सलामती के लिए मुल्क के बहादुर जवानों को सत सत सलाम। जय हिंद। चीन के सदर शी जिनपिंग ने नौ मुंतखब सदर द्रौपदी मुर्मू को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। चीनी सदर ने अपने पैगाम में कहा कि वो सियासी बाहमी एतमाद को बढ़ाने, अमली तआवुन को मजबूत बनाने, इख्तलाफात को अच्छी तरह हल करने और चीन भारत ताल्लुकात को दुरुस्त सम्त पर गामजन करने के लिए उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अपने मुबारकबाद के पैगाम में सदर जी पिंग ने कहा कि वो चीन भारत ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। अप्रैल 2021 के बाद पहली बार हिंदुस्तानी क़्यादत से बात करते हुए चीनी सदर ने निशानदेही की कि चीन और भारत एक दूसरे के अहम पड़ोसी हैं। इन्होंने कहा कि मजबूत और मुस्तहकम चीन भारत ताल्लुकात दोनों ममालिक और अवाम के बुनियादी मफादात के तई पुराज़म हैं। ईडी आज नेशनल हेराल्ड से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। इससे कबल जुमेरात को भी सोनिया गांधी से पूछताछ की गई थी। पहले दौर की ये पूछताछ दो घंटे तक चली थी। आज इससे दूसरे दौर के लिए पूछताछ की जा रही है। इस दरमियान उन्हें लंच ब्रेक का वक्त दिया गया। आज सुबह सोनिया गांधी पूछगछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुँची थी। इस दौरान उनके साथ उनके बेटे और कांग्रेस एमपी राहुल गांधी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका वाड्रा भी थी। दूसरी जानिब इस मामले को लेकर दिल्ली के विजय चौक पर कांग्रेस लीडरों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस दौरान कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर अरकान पार्लियामेंट को दिल्ली पुलिस ने विजय चौक से हिरासत में ले लिया। राहुल और कांग्रेस के दीगर अरकान असेंबली विजय चौक पर एहतजाज पर बैठे थे। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस मुल्क भर में सत्याग्रह कर रही है। पार्टी मेंबरान पार्लियामेंट के साथ राहुल गांधी विजय चौक के पास एहतजाज पर बैठे हुए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया।
CPEC मंसूबों में तीसरे ममालिक की शमूलियत के हवाले से मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि हमने CPEC मंसूबों में तीसरे ममालिक की मुजवजा शमूलियत की हौसला अफजाई से मुतालिक रिपोर्ट्स देखी हैं। किसी भी फरीक की तरफ से ऐसा कोई भी इकदाम भारत की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की बराह रास्त खिलाफ वर्जी करती है। उन्होंने कहा कि भारत नाम निहाज CPEC के मंसूबों की सख्ती से मुखालफत करता है जो भारतीय इलाके में हैं और जो पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर से कब्जा किया गया है। ऐसी सरगर्मियाँ फितरी तौर पर गैर कानूनी, नाजायज़ और नाकाबिल कबूल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक सदर रामनाथ कोविंद को उनकी मियाद पूरी होने पर एक ख़त लिखा है। साबिक सदर रामनाथ कोविंद ने उन खतूत को ट्वीट के जरिए शेयर किया। उन्होंने लिखा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इन खतूत ने मुझे गहराई से मुतासिर किया है। मैं उनकी इंतहाई इनकिसारी और दिल को छू लेने वाले अल्फाज से सरशार हूँ और साथ ही शहरियों के प्यार व मोहब्बत और एहतराम व अकीदत के तौर पर देखता हूँ। सदर जमहूरिया ने सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 28-29 जुलाई को गुजरात और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म 28 जुलाई को साबरकांठा में गुरुदा चौकी में साइबर डेयरी के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म चेन्नई का दौरा करेंगे और शाम को चेन्नई के JLN इंडोर स्टेडियम में 44वीं शतरंज ओलंपियाड के आगाज़ का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म 29 जुलाई की सुबह वज़ीर आज़म अन्ना यूनिवर्सिटी के 42वें कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो गिफ्ट सिटी का दौरा करने के लिए गांधीनगर जाएंगे जहां वो शाम 4 बजे के करीब मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज़ और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। द्रौपदी मुर्मू ने कल मुल्क के सबसे बड़े आइनी ओहदे का हलफ लिया था। राजस्थान में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। रियासत के कई अजला में बारिश की वजह से मकामी लोगों को परेशानी का सामना है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी समेत भीलवाड़ा में सड़कें पानी से भर गई हैं। पानी भर जाने की वजह से यहां ट्रैफिक शदीद मुतासर हुआ है। अगर हम आज भीलवाड़ा की बात करें तो शहर के कई इलाके शदीद बारिश के बाद ज़ेर-आब हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक जगह रोडवेज की बस पानी से भर गई, तहम बस में फंसे मुसाफिरों को बचा लिया गया। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत कैलाश चौधरी ने पार्लियामेंट में कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम पर किसानों से कोई इजाफी फीस नहीं ली जाती। इन्होंने कहा कि किसानों के साथ साथ अब मवेशियों के मालिकान और फिश फार्मर्स भी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के वक्त में भी हमने 3 करोड़ से ज़्यादा किसानों को इस स्कीम से जोड़ने का बहुत अच्छा काम किया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए जब प्रारंभ की, ये योजना जब से शुरू हुई है तो ब्याज छूट के आधार पर योजना प्रारंभ की है, जिसमें किसान से 4% ब्याज वसूल किया जाता है और उसमें वो किसान जो छोटे किसान हैं उनके लिए भी है। इसमें 1,60,000 रुपये तक किसी प्रकार का कोई मॉर्गेज भी नहीं देना पड़ता और इसलिए उनके सुविधा की दृष्टि से RBI की गाइडलाइन के अनुसार उनको वो सारी सुविधाएं दी जा रही है। एक समय पहले किसानों से शुल्क वसूल होता था, लेकिन अब वो शुल्क वसूली खत्म कर दी गई है। अब किसान से किसी प्रकार का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता है। और दूसरा रही बात ऑनलाइन की बात की है, तो ऑनलाइन के अंदर भी जो नए किसान हैं, उन नए किसानों को अगर अपनी फाइल सबमिट करनी है तो उसके लिए उसको वो अगर अपने ई मित्र या जो सेंटर है जहाँ पर जाकर वो अगर करवाते हैं तो उनसे डायरेक्ट ऑनलाइन भी फॉर्म भर के और वो सबमिट कर सकता है, जिससे कि बैंक के पास वो फॉर्म पहुँच जाएगा और उसको कहीं चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं है और किसान को उसकी KCC भी नई किसानों को KCC मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में हर तरीके से किसानों के लिए इस तरह से सपोर्ट के लिए सरकार है वो तैयार है और मुझे बताते हुए खुशी है कि इसके अंदर KCC के अंदर पहले किसान था, लेकिन अब किसान के साथ में पशुपालक भी है और फिशरीज जो है, जो फिशरमैन है उनको भी इसके अंदर जोड़ा गया है और उसके साथ ही उनके लिए जो ये सुविधा की है, जिसकी वजह से किसानों की संख्या बढ़ी है और विशेषकर हमने इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया
और इस कोरोना के पीरियड के अंदर भी हमने लगभग 3 करोड़ से अधिक किसानों को इस नई जो कृषि के साथ में जोड़ने का बहुत बड़ा काम हुआ है। और खेल की खबरों में बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के आगाज से कबल भारतीय दस्ते को बड़ा धचका लगा है। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा चोट के बाइस कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर हो गए हैं। नीरज के कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर होने की तस्दीक IOA के सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता ने की। नीरज ने इतवार को ही आलमी चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की। वो इस मुकाबले में तमगा जीतने वाले पहले भारतीय और दूसरे भारतीय एथलीट हैं। नीरज को वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल के दौरान चोट लगी थी। पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेन लीग फिर से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में शुरू हो चुकी है। ख्वातीन के लिए अपनी नौईयत का पहला कौमी फेंसिंग मुकाबला 29 जुलाई तक 3 मरहलों में मुनक्किद होगा। इसमें 20 रियासतों के 300 से ज़्यादा ख्वातीन कैडेट्स जूनियर और सीनियर जुमरों में हिस्सा ले रही हैं। आलमी खबरों में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया सूबे में फायरिंग के एक मामले में एक मुसल्लह शख्स समेत कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल सका है। अफसरान ने इससे कबल लैंगले शहर में फायरिंग के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी किया था और रिहायशियों को चौकस रहने के लिए जाए वकूअ से दूर रहने की हिदायत दी थी। श्रीलंका में सदारती दफ्तर कल दोबारा खोल दिया गया। मुल्क में माशी बहरान की सूरत हाल से नाराज मुजाहिरीन ने रवा माह के अवाइल में सदारती दफ्तर में दाखिल होकर इस पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान पीर से यहां काम दोबारा शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही श्रीलंका में सरकारी स्कूल भी कल से दोबारा खुल गए। मुल्क की वजारत तालीम ने कहा कि स्कूल में फिजिकल क्लासेस अगले नोटिस तक सिर्फ पीर मंगल और जुमे को होंगी, जबकि बुध और जुमेरात को स्कूलों में ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी रहेगा। बरतानिया में वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जगह लेने वाले आखिरी 2 उम्मीदवार ने पीर को टेलीविज़न पर मुबाहिसे में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने एक दूसरे के टैक्स और अखराजात के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत के इंतखाबात जीतने के लिए बुक मेकर्स की पसंदीदा सेक्रेटरी खारजा लिज़ ट्रस ने साबिक वज़ीर ख़जाना ऋषि सुनक को बताया कि हुकूमत की किताबों को मुतवाजन करने की पॉलिसी ज़र मीशत और कसाद बाजारी की तरफ ले जाएगी। दूसरी जानब साबिक वज़ीर ख़जाना ऋषि सुनक का कहना था कि टैक्सों में कमी का मंसूबा मीशत के लिए घबराहट के सिवा कुछ नहीं, जिसके बुरे नतज बरामद होंगे। सुनक ने इस माह के शुरू में हुकूमत से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद बोरिस जॉनसन कमज़ोर पड़ गए थे। मुल्क के बहर अस्वद बंदरगाहों से यूक्रेन के अनाज की बरामदात करने वाला पहला जहाज़ कुछ ही दिनों में आगे बढ़ सकता है। अक़वामे मुत्तहिदा के तर्जुमान फरहान अल हक ने बताया कि यूक्रेन रूस तुर्की और अक़वामे मुत्तहिदा के दरमियान इत्तेफाक राय के तहत बरामदात वाले बहरी जहाज़ को कुछ दिनों के अंदर मुंतकिल किया जा सकता है। तर्जुमान ने कहा कि एक मुश्तरका कोऑर्डिनेशन सेंटर जहाज़रानी की सनत के साथ राबता करेगा और मुस्तकबिल करीब में जहाज़ों के लिए तफसीली तरीक़ेकार वज़ा करेगा। नाज़रीन खबरनामे में आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जाते हैं कारगिल में वाक़े दरास में, जहां कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के लिए अपनी जान निछावर करने वाले बहादुरों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। देखिए इसकी कुछ ख़ास झलकियां और हमें दें इजाज़त। आदाब। अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे।